गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ब्रिक बाय ब्रिक। ब्रिक बाय ब्रिक जो हमारा मॉरल साइंस का है उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए आप लोगों को एक बात बता देते हैं, आप लोगों का क्या होगा ये मंडे से लेके थर्सडे तक साइंस होगा और फ्राइडे और सैटरडे क्या ब्रिक बाय ब्रिक होगा। ओके, तो ब्रिक बाय ब्रिक का आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मदर्स पल्प ट्री, माँ का बेर का पेड़। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में पढ़ेंगे कि एक माँ है कोई जो कि एक बेर का पेड़ लगाई हुई है और उस पेड़ के साथ उस गार्डन के साथ कुछ उससे रिलेटेड स्टोरी है, उसी को इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। इन द स्मॉल एंड लस ग्रीन गार्डन इन द बनीज हाउस इन द हिल्स स्टूड अ पल्प ट्री। एक क्या है, एक बनी नाम का लड़का है जिसका घर हिल के तरफ है, पहाड़ी इलाके में है और उसके घर के पास एक ग्रीन कलर का गार्डन है, ग्रीन स्मॉल गार्डन है जहाँ एक पल्प का ट्री है, मतलब कि एक बेर का पेड़ है। बनीज मदर यूज टू टेंड द ट्री एवरी डे अलोंग विथ द अदर प्लांट इन द गार्डन। बनी की जो माँ है, बनी नाम की एक लड़की है छोटी सी, उसकी माँ जो है वो क्या करती है, पर डे उसको टेंड करती है ट्री को और मतलब जो भी वहाँ पे पेड़ है उस गार्डन में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ओके, बट वन डे बनीज मदर फेल इल, एक दिन बनी की माँ बीमार पड़ जाती हैं। डॉक्टर आस्क्ड हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर अ मंथ, उसके बाद डॉक्टर उनको एक मंथ के लिए रेस्ट लेने के लिए बोलता है। बनी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल वन आफ्टरनून, बनी स्कूल से जब घर आती है दोपहर में, सी हग्ड हर मदर, वो अपनी माँ को हग करती है, मतलब कि गले लगती है। जैसे एज यूजुअल हम घर से जाते स्कूल से जाते तो जाते जाते सबसे पहले मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ चिल्लाते हैं, फिर मम्मी से हग करते हैं, गला लगते हैं, फिर खाना बना, वैसे ही आती है वो अपनी मम्मी को हग करती है। सी आर्ग टू टेल हर ऑल डेट हैपन एट द स्कूल, और सब कुछ बताने लगती है जो स्कूल में हुआ था। बट सी नोटिस डेट हर मदर वाज नॉट लिसनिंग, फिर वो एक माइंड करती है कि मेरी माँ मेरा बात सुनी नहीं रही है। बहुत बार होता है कि हम लोग किसी से कुछ बोलते रहते हैं और कोई कुछ और सोचते रहता है, होता है ना, जनरली हम लोग फ्रेंड से ही बात करते रहते हैं और फ्रेंड डिस्टर्ब रहता है तो कुछ और सोचते रहता है, मेरी बातों को भी सुनता है लेकिन वो माइंड नहीं करता। वैसे ही वो देखती है बनी कि मेरी मम्मा मेरा बात सुन ही नहीं रही है और हम पूरा स्कूल का लगातार कहानी बताते जा रहे हैं, लेकिन और दिन तो मेरी माँ मेरा पूरा कहानी सुनती थी इंटरेस्ट ले लेके। She just looked at the garden with the sad look in her eyes. देखती है कि उसकी माँ गार्डन की तरफ लगातार देख रही है और काफी उदास होके, मतलब उनका चेहरा और उनका आंख जो है काफी उदास है, काफी सैड है। मदर why are you sad? Asked बनी। बनी पूछती है मम्मी माँ तुम क्यों इतनी उदास हो। बनी यू नो ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड दिस पल्प ट्री व्हेन ही वाज वेरी यंग, उसकी माँ बताती है कि बनी तुम जानती हो तुम्हारे ग्रैंड पापा तुम्हारे दादाजी इस पेड़ को लगाए थे जब वो काफी यंग थे। I used to play with my friend under the garden when I was your age, जब मैं भी छोटी थी तो मैं इस पेड़ के नीचे खेलती थी अपने दोस्तों के साथ। We would eat the ripe pulp when the tree was in the full bloom, said mother. माँ बोलती है कि हम लोग इस पेड़ का बहुत सारा बेर भी खाते थे जब इसमें बैर होता था। बट नाउ आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू इट, सी कंटिन्यूड, इसकी माँ मतलब इतनी उदास होती है कि लगातार अपने दिल का बात बताते जाती है कि जानती हो तुम बनी जब तुम्हारे ग्रैंड फादर छोटे थे काफी यंग थे तो इस पेड़ को लगाए थे और मैं तुम्हारे इतनी बड़ी थी तो यहाँ पे खेलती थी फ्रेंडों के साथ, जब ये इसमें फल का टाइम आता है फ्रूट्स का सीजन आता है तो इसके बेर भी हम लोग खाते थे, लेकिन अब पता नहीं इस पल्प ट्री का क्या होगा। आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट फॉर सम टाइम, मैं कुछ दिनों से इसका केयर नहीं कर पा रही हूँ, जब से मैं बीमार हूँ इसका केयर नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी पल्प इन दिस ईयर बनी, मुझे नहीं लगता है कि इस साल इस पेड़ में कोई बेर भी फरेगा, फ्रूट्स आएगा बेर का।
बनी फेल्ट वेरी सैड, बनी बहुत उदास हो जाती है। सी ऑल्सो फेल्ट सेम्ड फॉर हर, और काफी उदास होने के बाद उसको शर्म भी अपने आप पे आने लगता है। हाउ केयरलेस सी हैड बीन फॉर नॉट नोटिस हर मदर्स कंडीशन। उसको ये लगता है कि मैं कितनी केयरलेस हूँ कि अपनी माँ की स्थिति को नहीं समझ रही थी। माँ इतने दिन से इस चीज को लेकर उदास थी और मैं इस चीज को फील नहीं कर पा रही थी। डोंट वरी मदर सी सेड, आई विल टेक केयर ऑफ द ट्री। उसके बाद जब उसको लगता है, बनी को ये सब बहुत बुरा लगता है, अपने आप पे बहुत शर्म आने लगता है, तो बोलती है माँ को, मम्मा तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं इस पेड़ का केयर करूंगी। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड बनी लुक्ड आफ्टर द ट्री। उस दिन के बाद से बनी उस ट्री का ध्यान रखने लगती है। वाटरिंग इट, क्लीयरिंग द वीड एंड सॉफ्टिंग द सॉइल अराउंड इट। उस दिन के बाद से उस पेड़ का ख्याल रखने लगती है, उसको पानी देने लगती है, उसका क्लीनिंग करने लगती है। बनीज हार्ड वर्क पे ऑफ, बनी काफी है हार्ड वर्क, मतलब उस पेड़ का बहुत ख्याल रखने लगती है और उसका हार्ड वर्क पे ऑफ भी हो जाता है। द ट्री ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और पेड़ काफी मजबूत हो जाता है। द ड्राइड लीव गिव अवे टू द ग्रीन वन एंड सून रेड पल्प्स स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन इट ब्रांच। और जितना मेहनत करती है उसका मेहनत सफल भी होता है, उसका मेहनत सही पॉजिटिव वे में भी होता है और पेड़ काफी स्ट्रांग हो जाता है। उसका जो भी लीव है, ड्राई पुराना पत्ता था वो हट जाता है, नया पत्ता आ जाता है, वहाँ रेड रेड पल्प आने लगता है उसके सारे ब्रांचेज में। हर मदर लुक एट द ट्री, उसकी माँ पेड़ पे देखती है विथ जॉय दिस टाइम, काफी मतलब अच्छा लगता है उनको, उत्साह के साथ देखती है उधर और बोलती है, ओह बनी डियर द पल्प्स आर शाइनिंग लाइक रबीज। वाओ बनी, देखो ये पल्प कितना अच्छा शाइनिंग कर रहा है रबीज की तरह। थैंक यू डियर डॉटर सेड मदर, और माँ बोलती है थैंक यू बेटा इतना सारा इसमें मेहनत करने के लिए। बनी वाज वेरी हैप्पी टू सी हर मदर स्माइलिंग, और बनी भी काफी खुश हो जाती है अपनी मम्मी को खुश देख के। और इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका वर्ड मीनिंग करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर करेंगे, बुक वर्क होगा उसको करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।